ये दाल की कचौड़ी थी रायते में, ये जा रही है भाई साहब के धोने में। भारत माँ, भारत माँ। दूसरी पृथ्वी माँ, पृथ्वी माँ। तीसरी, एक दो तीसरी, तीसरी करो गंगा माँ, गंगा माँ। तीसरी, चौथी जमुना माँ, पांचवी खुद की माँ जिसने आपको जन्म दिया है। हाँ, पांचवी माँ मानेंगे आप? बिल्कुल। और एक ही तो रह गई, एक रह गई सतमी। जब शादी हो जाएगी तो पत्नी की माँ को क्या कहेंगे आप? माता ही बोलेंगे, मम्मी जी, मम्मी जी। जी और लगाएंगे? सही बात है। छह छह पंडित जी ने, जो पंडित जी लगाना जरूरी है, जी लगाना जरूरी है। अपने के आगे जी नहीं लगाई होगी कभी? माँ जी लगानी पड़ा, जी शाम को खाना नहीं मिलेगा। सही बात है। तुम्हारी शादी हो गई? वैसे नहीं हुई, जिस दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी उस दिन तुम्हारी जिंदगी रोडवेज बस की तरह से हो जाएगी। कहीं भी घूमे ना, शाम को डिपो में ही जाओगे। बोलो जी बाबू जी, बोलो आप। आलू वाली सही बोल रहे पंडित जी, बात तो सही कर रही है। और अभी मालूम है आप कैसी कंडीशन में? प्राइवेट बस की तरह से जहाँ मर्जी वहाँ घूम लो, जहाँ मर्जी वहाँ खड़े हो जाओ। सही बात है। हाँ, एक दो अंकल। अच्छा जी, एक देनी है? दो देख लो। कैसी लग रही है भैया कचौड़ी? कब से खा रहे हैं यहाँ पे? बहुत टाइम हो गया। कहाँ से हैं आप? फिरोजाबाद से ही हैं। क्या बात है। तो इसमें कौन कौन सी कचौड़ी पंडित जी जरा बताएंगे? आलू की और दाल की है मैडम। और रेट कितना रहता है? ₹15। ₹15। और पंडित जी अगर किसी को खाने आना हो तो कहाँ आना होगा, जरा लोकेशन बता दीजिए। बर्फ खाना चौराहा जलेसर रोड फिरोजाबाद। टाइमिंग क्या है? सुबह 8 बजे से और 1:30 बजे तक कचौड़ी मिलती है, उसके बाद फिर समोसे स्टार्ट हो जाते हैं। क्या बात है। तो पंडित जी हमारे लिए भी बढ़िया सी आलू वाली कचौड़ी डुबो के निकाल के दिखा दीजिए। किसमें डुबाओगी? अरे यही मठे के अंदर। सब्जी में या रायते में? रायते में। ये लो जी आलू की कचौड़ी आ चुकी है और ये जाएगी। ये है आपके लिए आलू की कचौड़ी, डुबो हुई रायते में। क्या बात है। जो रायते में टच करने वाले हैं वो भी देख लो, रायते में ऐसे डुबोई जाती है कचौड़ी। ये लो जी सीख लो, ऐसे डुबोई जाती है ना कि हाथ से, ऐसे ही निकाली जाएगी। जब निकालेंगे तो देखो कितने मिनट बाद? 2-3 मिनट बस, गर्म कचौड़ी हाल हो जाती है रायते वाली। देखिए जी ये आ गई है आपकी, इसके बाद जाएगी मुँह में, उसके बाद जाएगी पेट में। तो भाई फिरोजाबाद में आए हैं और पंडित जी की कचौड़ी खाए बिना तो हम जा ही नहीं सकते, तो यहाँ पे हमने बनवा ली बढ़िया सी मठे वाली रायते की कचौड़ी। है रोजी डुबो कर दिया गया था कुछ इस तरीके से। ₹15 की कचौड़ी है भाई, ऐसी इतनी मुलायम इतनी सॉफ्ट कचौड़ी होती है। चलिए खा कर देखते हैं आलू के साथ कुछ इसी तरीके से। अहमदाबाद रहा था 2 महीने में, ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिस दिन मैंने पंडित की कचौड़ी को मिस ना किया हो। क्या बात है, हकीकत बता रहा हूँ, रोज खाता हूँ मैं। मतलब आप अहमदाबाद में हो के फिरोजाबाद में पंडित जी की कचौड़ी मिस कर रहे थे? दोनों में बाद में बाधी तो लगा है, अहमदाबाद और फिरोजाबाद फर्क ही कितना रह गया। थोड़ा सा ही रह गया, इसीलिए भैया मिस कर रहे थे कचौड़ी। क्या बात है।